अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि गूगल ड्राइव पर अपना मैप कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जीमेल अकाउंट पर लॉगिन करेंगे। जब आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, उस वक्त आप अपनी गूगल ड्राइव ओपन करेंगे। यहाँ न्यू की मेन्यू में जाके मोर एंड देन गूगल माई मैप्स, इस वक्त आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मैप ओपन हो जाएगा। ये इस वक्त मैप का फॉर्मेट है और आपका अपना मैप क्रिएट हो चुका है। इधर से आप बेस मैप चेंज कर सकते हैं। गूगल सैटेलाइट है, टेरेन व्यू है, लाइट पॉलिटिकल है, मोनोसिटी व्यू, सिंपल एटलस, लाइट लैंड मैस, डार्क लैंड मैस और वाइट वाटर। मैं यहाँ से सैटेलाइट व्यू चूज़ करता हूँ तो मेरा सैटेलाइट व्यू आने लग जाएगा। इसको जूम कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपके पास टूल्स भी हैं, जिससे आप सेलेक्ट आइटम का टूल है, ऐड मार्कर का टूल है, ड्रॉ अ लाइन का टूल है। सपोज मैं यहाँ लाहौर पे जूम करता हूँ, और कोई एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ, एड लाइन और शेप। ये मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया है, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। अब जब एक मैप के ऊपर हम मल्टीपल पॉलीगॉन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी शेप की अपनी मर्जी से, इसकी भी कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सेव। और जिस वक्त हम ये डाटा अपने कंप्यूटर में KML फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहेंगे तो इधर मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट टू KML और KMZ इस पर क्लिक करेंगे। वो पूछता है आपने एंटायर मैप कॉपी करनी है या कोई एक लेयर। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लेयर्स बन रही हैं मैप की, आप कोई न्यू लेयर भी यहाँ पे बना सकते हैं। इस वक्त मैं एक सिंगल लेयर ही KML के फॉर्मेट में डाउनलोड करता हूँ, तो मैं अनटाइटल्ड लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट टू KML फाइल एंड देन डाउनलोड। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी KML फाइल। इस KML फाइल को हम बाद में SQL में कन्वर्ट करके अपनी डेटाबेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।